हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में। आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें कैलकुलेटर के हेल्प से। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? तो पहले जो कैलकुलेटर हमारा है, अभी ये जो दिख रहा है ये डी मोड डिग्री मोड में है, मतलब नॉर्मल मोड में। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जब हमको इक्वेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन मोड में कैलकुलेटर को लाना होगा। तो वो लाने के लिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोड 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 वन, मतलब मोड को 3 बार प्रेस करें फिर वन प्रेस करें तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो इक्वेशन मोड में आ जाएगा। तो इतना पहले करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो मोड जो कि हमारा ये है उसको 3 बार प्रेस करना है, तो 1 2 3। अब हमारा ये ई क्यू एन जो दिख रहा है ये इक्वेशन, इसको वन प्रेस कर देंगे। तब वन प्रेस कर देने के बाद यहाँ पे हमको आ रहा है अननोन्स 2 और 3, और आगे भी कुछ है, यहाँ पे एरो दिखा रहा है डिग्रीज। मतलब हम यहाँ से दो टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक अननोन वैल्यूज़ जैसे कि एक्स वाई जेड हमको पता लगाना है, तो 3 अननोन वैल्यूज़ तक निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स वाई जेड 3 अननोन वैल्यूज़ हैं तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये हो गया, और दूसरा जो कि डिग्री दिखा रहा है, तो डिग्री का मतलब भैया जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन होता है वो इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि पावर 2 और क्यूबिक इक्वेशन जो कि पावर 3। तो ये दो टाइप के ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो अननोन है वो अननोन में टू अननोन का एक इक्वेशन लेंगे और वो सॉल्व करके इक्वेशन कैलकुलेटर से बताएंगे। फिर वैसे 3 और फिर डिग्री के लिए भी 2 और 3 डिग्री का इक्वेशन लेंगे और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताएंगे। तो पहले देखते हैं 2 अननोन वैल्यूज़ को इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो इक्वेशन है जो कि 2x + 4y इज इक्वल टू 8 और 5x - 3y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें 2 अननोन है जो कि एक x और y, तो ये x और y को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्या करना होता है, जो कि ये आपको दिख रहा होगा या नीचे भी दो इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि a1x + b1y इज इक्वल टू c1। तो मतलब पहला इक्वेशन जो है उसको हम इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे और फिर यहाँ पे a1, b1 और c1 का वैल्यू पता लगाएंगे क्या क्या हो सकता है इस इक्वेशन में। क्योंकि जब हम कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे तो वो वहाँ पे हमको a1 का वैल्यू मांग रहा है मांगेगा फिर b1 का वैल्यू मांगेगा और फिर c1 का वैल्यू मांगेगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे हमको कंपेयर करना होता है पहला वाला को पहले से और दूसरा वाला को दूसरे से और फिर इनपुट करना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि ये 2 अननोन वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन है, तो पहले हम 2 अननोन का करेंगे तो अननोन्स 2 प्रेस करेंगे। पहले यहाँ पे 2 प्रेस कर दिए तो अब हमको ये a1 मांग रहा है, तो a1 मतलब हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 प्रेस करेंगे फिर इक्वल टू। अब b1 मतलब हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 प्रेस करेंगे फिर इक्वल टू। अब हमको c1 मांग रहा है जो कि 8 है, तो 8 प्रेस कर देंगे फिर इक्वल टू। अब हमसे a2 मांग रहा है, a2 मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 प्रेस करेंगे। फिर हमारा b2 मांग रहा है जो कि -3 है, तो इसको हम -3 देंगे। और फिर हमसे c2 मांग रहा है जो कि 4 है, अब हमको ये x और y का वैल्यू देगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 1.538 और फिर प्रेस करेंगे तो y का वैल्यू देगा, y का वैल्यू दे दिया जो कि 1.230 है, y इज इक्वल टू 1.230। तो ऐसे करके अगर हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है इक्वेशन से, तो पहले हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को से कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे तो हमको x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे 3 अननोन वैल्यूज़ के लिए। तो अभी पहले हम इसको क्या कर लेंगे, रिसेट कर लेंगे। रिसेट करने के लिए मोड CLR 3, अभी हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया है कैलकुलेटर। फिर हम इसको इक्वेशन में लेके जाएंगे, इक्वेशन के लिए 1 और अब हम 3 अननोन के लिए करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे। अब हम 3 अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 इक्वेशन 1 2 3 दिया गया है यहाँ पे। और फिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि नीचे में लिखा है a1x + b1y + c1z = d1,
मतलब ये पहला इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए वन बी वन सी वन और डी वन का वैल्यू पता लगाएंगे, जो कि ए वन का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी वन का वैल्यू 3 हो जाएगा, सी वन का वैल्यू -2 हो जाएगा, डी वन का वैल्यू 4 हो जाएगा। वैसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू है, यहाँ से ए टू बी टू और सी टू और डी टू ये सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा इक्वेशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री हो गया, तो यहाँ से ए थ्री बी थ्री सी थ्री और डी थ्री का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर, जब कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू सब वो इनपुट करने के लिए बोलता है। तो चलिए अब थ्री अननोन वैल्यूज़ निकालना है ये थ्री इक्वेशन से, इसके लिए हमको थ्री प्रेस करना होगा। अब ये ए वन मांग रहा है तो ए वन हमको 4 यहाँ पे दिया गया है, फिर बी वन हमारे पास 3 है, फिर सी वन हमारे पास -2 है, फिर डी वन हमारे पास 4 है, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे। ए टू हमारे पास 3 है, बी टू हमारे पास 2 है, सी टू हमारे पास 8 है और डी टू हमारे पास 7 है, फिर ए थ्री हमारे पास 4 है, बी थ्री हमारे पास 2 है, सी थ्री हमारे पास 6 है और हमारे पास डी थ्री हमारे पास 3 है, इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ से देखिए हमको x का वैल्यू मिल गया है, जो कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू -2.866 आ रहा है। फिर प्रेस करेंगे इक्वल टू को तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा जो कि 5.533 मिल रहा है, और फिर प्रेस करेंगे तो z का वैल्यू मिलेगा, z का वैल्यू है 0.566 है। तो ऐसे करके थ्री अननोन वैल्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से इक्वेशन का। अब हम चलेंगे इसको फिर से हम क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद फिर से इक्वेशन मोड में चलेंगे, हम इक्वेशन मोड में आके अब हमको अब डिग्री का कैलकुलेट करेंगे। तो पहला 2 डिग्री का करेंगे, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे कैलकुलेटर से कैसे होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो होता है, ये नीचे में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे और फिर वैल्यू इनपुट करेंगे कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो मतलब ये डिग्री इसका 2 हो गया, तो इसके लिए हम ये 2 यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब हमसे a मांग रहा है तो a हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो a हमारे पास 3 मिलेगा, तो 3, b हमारे पास 2 आएगा और c हमारे पास 4 आएगा, और ये हमको एक्स वन का वैल्यू देगा, एक्स का वैल्यू 2 देगा क्योंकि ये 2 पावर है इसका, इसलिए 2 वैल्यू आएगा। इसलिए आप इसको एक्स वन लिख सकते हैं जो कि आएगा -0.33 और दूसरा x2 आएगा, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो x2 दे रहा है जो कि वो भी सेम है -0.33। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकाले, तो ये हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन जो है जिसका पावर 3 रहेगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर के हेल्प से उसका वैल्यू, वो भी बताते हैं। अब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना देखेंगे, तो इसके लिए फिर हम इसको कैलकुलेटर को अपना रिसेट कर लेंगे 3, अभी हमारा रिसेट हो गया, फिर इक्वेशन पे जाएंगे तो 3, अब इक्वेशन आ गया। अभी अननोन वाला नहीं करना है, अभी हमको डिग्री का करना है, तो डिग्री वो भी हमारा यहाँ पे डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 के लिए यहाँ पे हम 3 प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, ये हम पहले समझ जाएंगे कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो क्यूबिक फॉर्म है, क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, वहाँ से ए बी सी और डी का वैल्यू पता लगाएंगे। तो ए हमारा 4 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा। ये सभी हमको कैलकुलेटर यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोलेगा, फिर वो इनपुट करेंगे, फिर हमको x का यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिलेंगे। तो a हमारे पास क्या है, 4 है, 4 हो गया, b हमारे पास क्या है, 2 है, c हमारे पास 3 है और d हमारे पास 4 है। तो अब हमको ये x का वैल्यू 3 देगा, 3 टू x का वैल्यू आएगा, x1 इज इक्वल टू आ गया -0.900, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो x2 आएगा और x2 जो आया है 0.200, फिर इसके बाद x3 भी सेम आया है 0.200। तो ऐसे करके हम इक्वेशंस
भी सॉल्व कर सकते हैं, अननोन वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू।